शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम कसम से बता रहे हैं आपको, अगर आज भाभी का तमाशा नहीं होता ना, स्वीटी की बच्ची को तो हम दिखाते, उसको उसके बाप के सामने खड़ा रहने लायक नहीं छोड़ते। बहुत परेशान कर रखा है उसने भैया हमको, अब जानते नहीं है। खैर वो सब छोड़िए, आप हमको रिपोर्ट दे दीजिए, हमको चाहिए। क्यों, क्या करोगे? हम बढ़ के ठाकुर को उसकी सच्चाई दिखाएंगे और क्या। अब समझ नहीं रहे हैं क्या हम क्या कह रहे हैं? छुट्टी, हम जो बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, तुम इन सब चक्करों से ना दूर रहो। हमारा मकसद इन सब से बहुत बड़ा है और ये सब फालतू बखेड़े से ना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन कह दिए ना, और स्वीटी की रिपोर्ट के बारे में किसी से चू भी मत करना। हम जो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, समझो बात को। जाओ। अरे 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 अरे, लो 72 घंटे में से 24 घंटे तो आप यहीं घटा दिए। अब 72 में से 24 गए तो कितने बचे? 48। और ये जो सीता गीता का जो कंफ्यूजन है ना, इसके रचयिता हम ही हैं। जानते हैं हम, जानते हैं हम कि आप सब जानती हैं, लेकिन थोड़ा देर से। आपको तो तभी समझ जाना चाहिए था जब हम उस बूढ़ी माई को पैसा देके भेजे थे। वो माई? हाँ, वो बूढ़ी माई भिखारन। क्योंकि आपके मन में ये जो हम सकल वाली बात है ना, ये डालनी बहुत जरूरी थी। और फिर हमने ऐसी फिरकी घुमाई कि आप जा पहुंची हमारे घर, जहां हम पहले से मजनू की बहन को फिट कर दिए थे और उसे पहले ही बोल दिए थे कि कुछ भी हो जाए अपना चेहरा मत दिखाना, ताकि आप और जोर लगाएं और आपको इस बात पे यकीन हो जाए कि वो हम सकल आप ही की है। बहुत ज्यादा चालाक समझते हो ना खुद को। 72 घंटे में से 24 घंटे घटे तो कितने बचे? 48 घंटे, यानी 2 दिन। और 2 दिन ना काफी है हमारे लिए, तुम्हारे इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, समझे तुम? बीवी जी, 48 घंटे तो क्या, अगर 48 जन्म भी ले लेंगे ना तब भी नहीं जान पाएंगे। और वैसे भी 48 घंटे बाद तो हमारा काम होने ही वाला, हमारी शादी का, हमारी शादी दोबारा, इंग्लिश में मैरिज रिटर्न। कैसे कोई बेवकूफ बना सकता है हमें? नहीं 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 नहीं, हमें पता करना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर हमारी बर्थडे की रात हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ था जो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है?
ये क्या देखा हमने? हम शादी के जोड़े में दुल्हन बने, लेकिन हमें हमें कुछ याद क्यों नहीं है? हम शर्मी, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को अकेली क्या कर रही हो यहाँ पे? पता नहीं, हमने कुछ देखा। कहाँ? कि क्या देखा? हाँ, हमारा मतलब है, हमारा सर चकरा है और हमने किसी की झलक दिखाई थी। कैसी झलक बेटा? हमने देखा कि हमने शादी का जोड़ा पहना, हम दुल्हन बने थे, वो सोना सिंगार सुहाग का जोड़ा, हो उस सब कुछ हमने पहना, खुद ऐसा लगा जैसे जैसे कुछ 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 देखा हमने, जो झलक दिखाई थी वो हमारी ही याद थी शायद। लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमने कुछ कुछ किया है तो हम कैसे भूल सकते हैं? हे भगवान, माँ, हमें ऐसा लगा जैसे हम होश में तो है पर बेसुध है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? बेटा, जैसा हम सोच रहे हैं कहीं वैसा तो नहीं? क्या माँ? हमने भी सिर्फ सुना है, ऐसा तब होता है जब कोई किसी को काले जादू से अपने वश में कर लेता है। कहीं तुझ पर तो नहीं किसी ने? माँ, कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ नहीं होता है। होता है बेटा, सब कुछ होता है। देखा नहीं तू कैसे मौत के मुंह से वापस आई है? माँ, हम बता चुके हैं, वो जहर का असर था और हम मरे नहीं थे। बच्चे, एक बार हमारी बात मान ले। एक पुरोहित जी है हमारे जानने वाले, एक बार उनसे मिल लो। बहुत माने हुए पुरोहित जी हैं, तुम्हारी जन्म कुंडली भी उन्होंने बनाई थी बेटा, वो सब कुछ साफ साफ बता देंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार हमारे बोलने पर मिल ले बेटा, तेरे जितने भी सवाल है ना, तुझे सबके जवाब मिल जाएंगे। हम बोल रहे हैं, तू एक बार मिल ले हमारे बोलने पर, एक बार। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम मिलेंगे। अच्छा, अब आप जाइए, आराम कीजिए। तुम भी सो जाओ। हाँ, मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।